17 मार्च 2020, आज तक कुल 137 लोग इंडिया में इन्फेक्ट हो चुके हैं, 3 डेथ्स हो चुकी हैं और तकरीबन 57,000 लोग अंडर सर्वेलेंस हैं। ऐसे में जब इटली, ईरान और स्पेन का वर्स केस एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, इंडिया इस पेंडेमिक से अपने आप को कैसे बचा सकता है? ये वायरस 3 स्टेजेस में फैल रहा है। सबसे पहला स्टेज होता है जब कोई एक इंसान किसी इन्फेक्टेड कंट्री से ट्रेवल करके आता है तो वो केस लेकर के आता है, ऐसे केस को इम्पोर्टेड केस बोलते हैं। अब यह इन्फेक्टेड इंसान जिसके कॉन्टैक्ट में आएगा उनमें से किसी न किसी को इन्फेक्ट करेगा और वो सारे इन्फेक्शन फिर लोकल इन्फेक्शन कहलाएंगे। इंडिया के केस में ये प्लस पॉइंट है कि अभी तक सारे इन्फेक्शन यहाँ पे या तो इम्पोर्टेड रहे हैं या तो लोकल रहे हैं, कोई भी अभी थर्ड स्टेज में एंट्री नहीं किया है। थर्ड स्टेज ट्रांसमिशन जो होता है उसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं और इसमें आने के बाद फिर जो स्प्रेड का स्पीड होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। अगर आप इटली और ईरान का डेटा देखें तो ये लोग क्योंकि सही टाइम पर लोकल इन्फेक्शन के टाइम पर यह वायरस को कंटेन करने की कोशिश नहीं कर पाए और इसलिए यहाँ पे 3 से 4 वीक के बाद जब वायरस एक बार कम्युनिटी स्टेज पर पहुँच गया तो अचानक से यहाँ पे डेथ टोल और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से राइज करने लग गया। और इटली में तो सिचुएशन ये हो गई कि डॉक्टर्स को सेलेक्ट करना पड़ रहा था कि किसको ट्रीट करें और किसको रहने दें। ऐसे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस वायरस को अगर थर्ड स्टेज ट्रांसमिशन पर जाने से पहले रोक लिया जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस वायरस को लोकल स्टेज पर कंटेन करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। और ये सोशल डिस्टेंसिंग कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वार्ड में 2 बेड के बीच में तकरीबन 3 फीट का डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस इसीलिए ताकि कोई वायरल इन्फेक्शन आसानी से ट्रांसमिट ना हो सके। बट प्रॉब्लम यह है कि मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन के अंदर, हर जगह आप सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स कैसे दे पाएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ता है कि किसी भी क्राउडेड प्लेस को बंद कर दिया जाए, ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वायरस को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट और प्रूवन मेथड जो है वो यही है कि अपने आप को किसी भी क्राउडेड प्लेस या लोगों के कॉन्टैक्ट में कम से कम आने की कोशिश करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इतने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इस वायरस के ग्रोथ का पैटर्न देखें तो ये वायरस सबसे ज़्यादा डेडली साबित हो रहा है उन लोगों के लिए जो 60+ एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, प्लस वो लोग जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन से डायग्नोज हुए हैं। अब क्योंकि एजड लोग सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं तो इन्हें हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, एमरजेंसी वार्ड्स की ज़रूरत है। अब क्योंकि किसी भी कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं होता है अभी तक और इंडिया का हेल्थ सिस्टम भी लिमिटेड ही है, इसलिए ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि हम अपने हॉस्पिटल्स को ओवर क्राउडेड ना कर दें पेशेंट्स से। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप देखें तो इस वायरस के 3 तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। एक तो होता है माइल्ड इन्फेक्शन, फिर सीवियर और फिर क्रिटिकल इन्फेक्शन। अगर आप सीवियर और क्रिटिकल इन्फेक्शन को हटा दें तो कई बार माइल्ड इन्फेक्शन में आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। ऐसे में आपको लगता है आप इन्फेक्टेड नहीं हैं, बट अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो नहीं करते हैं और आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी लोगों को वायरस ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और आप जिनको वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर उनमें से कुछ परसेंटेज भी ओल्ड एज पीपल हैं तो उन्हें फाइनली हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कराना होगा। अब क्योंकि हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के अलावा और भी बहुत सारे पेशेंट्स एडमिटेड हैं तो धीरे धीरे हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड होते चले जाएंगे। इसीलिए इस वायरस को कंटेन करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो अभी तक यही है कि हर वो इंसान जिससे इन्फेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो वो बाहर जाने से, किसी भीड़ में जाने से, क्राउडेड प्लेस में जाने से अवॉइड करे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस का जो ग्रोथ कर्व है अगर हम उसको एक बार फ्लैटन करने में सक्सेसफुल हो गए तो हम इस पैंडेमिक को काफ़ी हद तक कंटेन करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये जो ब्लू वाला ग्रोथ कर्व दिख रहा है आपको वायरस का, ये वो वाला ग्रोथ कर्व है जब आप कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। लकीली इंडिया में अभी तक ये लोकल स्टेज ट्रांसमिशन पे है तो अगर इस टाइम हम प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो कर पाएंगे तो हम इस ब्लू वाले ग्राफ को फ्लैटन कर सकते हैं और ये छोटे से लिमिटेड इन्फेक्शंस तक हम इसको समेट सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में पॉसिबल रहे तो हमारा हेल्थ सिस्टम ओवरक्राउडेड नहीं होगा और एक्चुअल में जिनको ट्रीटमेंट के रिक्वायरमेंट है, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा और हमारा डेथ टॉल भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ करेगा। अगर हम टेक अवे मैसेज की बात करें तो टेक अवे मैसेज यही है कि हम सबको सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, बाहर क्राउडेड प्लेस में जाने से अवॉइड करना चाहिए फॉर टाइम बींग, क्योंकि अगर विद इन नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट को दिखता है कि लगातार केसेस राइज करते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट फिर कोएर्सिव मेजर्स लेगी और कंप्लीट लॉकडाउन का ऑर्डर भी कर सकती है। अगर हम गवर्नमेंट के लिए टेक अवे की बात करें
तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टेक अवे कोरोना वायरस का ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने हेल्थ फंड को बढ़ाना होगा कि मोर और लेस अराउंड 1% के आसपास ही रहा है टोटल जीडीपी का पिछले 10 साल में।